अभी देखिए हम लोग दिल्ली हाईवे में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम दोनों हैं राजस्थान के जयपुर में और अभी जा रहे हैं ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने। वो भी कितना में टाइम है, लगभग 8:15 में है जमात है ईदगाह में, और पूरे शहर में एक जगह जमा होके नमाज अदा की जाती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, एकदम पूरा रोड में पढ़ाया जाता है। और लगभग कहाँ है पता नहीं, हम जा रहे हैं हम लोग, और लगभग 4 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक रहता है। अभी देखिए हम लोग दिल्ली हाईवे में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं पूरा हाईवे जाम है 4 किलोमीटर तक, और हम पूरा एकदम हाईवे में ईद की नमाज होगी। देखिए एकदम, और ये देखिए एकदम दिल्ली हाईवे में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर अगर आप देखिए एकदम पूरा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए एकदम पूरा हाईवे, ये रोड है दिल्ली हाईवे, इसमें की नमाज अदा की जा रही है। अगर आपको ईदगाह में अगर आपको ईदगाह में नमाज अदा करनी है तो फजर से पहले आना होगा, तभी होगा, नहीं तो फिर संभव नहीं है। हम लोग अभी रोड में बैठे हुए मुसल्ला बिछा के, देखिए क्या जबरदस्त है। और अभी ये लोग देखिए ईद देखिए पूरे हाईवे ब्लॉक हो गई, ये दिल्ली हाईवे है, तो वो लोग का ही हाईवे ईदगाह। और देख सकते हैं हमने तुम्हें तुम पर रोजे फर्ज पूरा दिल्ली हाईवे एकदम पूरा ब्लॉक है। अभी ईदगाह बहुत दूर है भाई, ईदगाह भी हम नहीं देखे, पता भी नहीं कि ईदगाह कौन सा ईद है, किधर है ईदगाह, किधर है हम लोग को पता ही नहीं। ईदगाह देखेंगे ईद की नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे किधर है ईदगाह, लेकिन अभी तो इधर ही रोड में पड़े हैं, यहीं ईद की नमाज पढ़ेंगे। और ये कुरान शाहरुख रमजानी बयान रखे, आजा इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व इल्लाहि अलहम्द अय्युहल मुस्लिमून أن يومكم هذا يوم عيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ईद की नमाज पढ़ ली, और देख सकते हैं किस तरह रोड में पढ़ दी आए ईदगाह अभी तक नहीं देखा। देखिए किस तरह भीड़ है,
दिख भी नहीं रहा, मतलब कि कितना भीड़ हो रहा है। देखिए उधर कितना भीड़ है भाई, देखिए देखिए कितना भीड़ है। कितना पूरा रोड ब्लॉक है, अभी हम लोग रूम आ गए हैं और रूम आ गए और इधर है लच्छा। ये कौन सा लच्छा है इस तरह, मतलब नाम पूरी है ये हमारे वहाँ जो झारखंड है उससे अलग है ये, खाने में भी अच्छा, मतलब कि अच्छा भी लगता है उधर से। हम लोग उधर इतना डलदा रहता क्या ही बोलूं।